मेरा नाम प्रवीण है, मैं हैदराबाद तेलंगाना का रहने वाला हूँ। एक्चुअली मैंने फोरक्लिफ्ट के बारे में सर्च कर रहा था यूट्यूब में, तो मुझे यूट्यूब का जो वीडियो मिला था सूर्य सर का, मैंने वो देखा था। उसमें कॉन्टैक्ट नंबर था तो मैंने कॉन्टैक्ट किया था कोर्स डिटेल के बारे में, तो उन्होंने सुविधा बताई है, यहाँ का फीस स्ट्रक्चर भी बताए थे, तो उस हिसाब से मैं प्लान कर लिया था, तो मैं यहाँ पहुँच गया ट्रेनिंग के लिए। मैं जब पहली बार आया था ट्रेनिंग सेंटर में, यहाँ पर जो है ना ट्रैक बना हुई थी, अलग अलग तरह की गाड़ी थे यहाँ पे, इक्विपमेंट्स जिसको ऑपरेटिंग सीखना है, जो सीखना है वो हिसाब से शेड बनी हुई थी बहुत बढ़िया, और स्टेप बाय स्टेप थी, जो कोई लंबी थी कोई छोटी थी, मतलब शेड के हिसाब से, व्हीकल के हिसाब से, ट्रेनिंग के हिसाब से थी। आपने यहाँ पर आके कौन सा कोर्स किया? मैंने एक्चुअली प्लानिंग किया था वो फोरक्लिफ्ट के बारे में, एक्चुअली उसी के नाते मैं आया था। बाद में मुझे लगा कि ये दो और गाड़ी भी सीख लेना चाहिए, क्योंकि जो डिमांड में फोरक्लिफ्ट के, मतलब फोरक्लिफ्ट से भी अभी एडवांस में दो गाड़ी है यहाँ पर, जो हाई रिस्क ट्रक है और एक आर्टिकुलेटेड फोरक्लिफ्ट है, दो गाड़ी है। मैंने तो वो दो भी चॉइस चूज किया है, वो हिसाब से मैं सीख रहा हूँ। मैं अभी तक 10 दिन हुए मेरे कोर्स कंप्लीट हो गए, अभी तक तो मैं पायलट जो है और बॉक्स जो है जो चेकले का रहता है वो पायलट के साथ मैं रैक में लगाना सीखा हूँ, फर्स्ट और सेकंड फ्लोर तक सीखा हूँ, और थर्ड और फोर्थ फ्लोर सिखाएंगे सर अभी 15 दिन तक विद इन कोर्स कम्प्लीशन। आपने सारी मशीन पे ये सीख लिया है? हाँ हाँ, सारी मशीन पे कर रहा हूँ साइमल्टेनियसली, सब चारों भी मशीन कर रहा हूँ। आपको एक दिन में यहाँ पे टोटल प्रैक्टिस के लिए कितना टाइम लगता है? हाँ एक्चुअली क्या है ना, फोरक्लिफ्ट में दो गाड़ी है, एक बैटरी का एक डीजल का है, ये आधा आधा घंटा मिलेगा, पूरा मिला के 1 घंटा मिलेगा। इसके अलावा जो आरटी है, रिचिट ट्रक है, वो 1 घंटा मिलेगा, और AFL है वो 1 घंटा मिलेगा। मुझे चारों मशीन पूरा मिला के 3 घंटे मिलेगा ऑल ओवर। ट्रेनर्स का बिहेवियर कैसा? यहाँ पे दो ट्रेनर है, एक अतुल सर है एक चेतन सर है, वो ट्रेनिंग तो बढ़िया देते हैं, मतलब कुछ गलती सुधार लेते हैं हम लोग उनसे, अच्छे ट्रेनर है मुझे तो समझ में आया। मशीन की सेफ्टी के लिए आपको क्या क्या बताया गया? ऐसा तो हर एक इक्विपमेंट में सेफ्टी की ज़रूरत है, जो चढ़ने के जो साइड है लेफ्ट साइड से चढ़ना पड़ता है, और चढ़ने के बाद अपने को सीट बेल्ट लगाना पड़ता है, बाद में हैंड ब्रेक निकालना पड़ता है, बाद में की देना पड़ता है, और अपना ड्रेस कोड पहनना पड़ता है, और कैप पहनना पड़ता है, और शू पहनना पड़ता है। उसके अलावा बहुत कुछ गाड़ी के बारे में भी जानकारी दिया उन्होंने, टेक्निकल के बारे में सेफ्टी, जैसा कि चेक कर लेना बैटरी का लेवल, चेक कर लेना, और मतलब थोड़े बहुत है और मुझे सीखना भी है। और ऑयल्स रहते हैं, मतलब ब्रेक ऑयल रहता है, क्लच ऑयल रहता है, गियर ऑयल रहता है, जैसा कि मतलब ऑयल्स के बारे में भी जानकारी दिया है, टैंक मतलब इंजन ऑयल है, डीजल है, और स्पेशली सिलेंडर लिफ्ट ऑयल और हाइड्रोलिक ऑयल स्पेशली बहुत मेजर रहता है गाड़ी में। आप अपने आप को अभी कॉन्फिडेंट मानते हैं गाड़ी चलाने के? मेरा ये 10 दिन का ट्रेनिंग में तो मुझे कॉन्फिडेंट है कि अब मैं चला पाऊँगा, फिर भी मैं उसमें एक्सपर्ट बनना चाहता हूँ, कुछ और सीखना चाहता हूँ एडवांस में, जहाँ ताकि मैं डायरेक्ट जॉब पे चढ़ सकूँ। जो लोग ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं उनके लिए आपका कोई मैसेज? माय डियर फ्रेंड्स व्यूअर्स, यूट्यूब व्यूअर्स, जो भी लोग फोरक्लिफ्ट सीखना चाह रहे हैं, ये अच्छा प्लेटफॉर्म है, अच्छा एकेडमी है सीखने के लिए, हर एक तरह के गाड़ी है यहाँ पे अवेलेबिलिटी, सीखने के बावजूद आपको प्लेसमेंट्स का भी कुछ सपोर्ट रहेगा यहाँ पर, मेरे हिसाब से बढ़िया रहेगा ये एकेडमी। आप ट्रेनिंग सेंटर को 10 में से कितनी रेटिंग देना चाहेंगे? मेरा ट्रेनिंग के बावजूद तो मैं सब कुछ यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर इक्विपमेंट पूरा ट्रेनर है जो भी है सबके लिए रेटिंग तो मैं देना चाहता हूँ 9। थैंक यू।